17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। मध्य विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और इस बार भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पहली बार भी जब वो विधायक बनकर आए थे तो उन्होंने जनता से कोई वादा नहीं किया था, बल्कि काम करके दिखाया था। जो काम किए हैं उसकी बुकलेट भी उन्होंने जनता के बीच में जारी की है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मोबाइल थोड़ी पीछे कर ले भैया। हाँ, मालिक का शुक्र अदा करूंगा। 5 साल पहले भी हमारे भाई ने, हम लोगों ने नामांकन भरा था और कामयाबी हासिल हुई। जनता ने विश्वास करा। मेरा नारा था कि नेता नहीं बेटा, और मालिक ने, मुझे उम्मीद करता हूँ कि उसमें सफल रहा बेटा बनने में और दोबारा भराए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जीत जाएंगे। इस बार कितनी उम्मीद है सर? हाँ। देखो, जब काम कराए, मुद्दे मैंने पिछली बार भी कुछ नहीं बोला था, पहले भी मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा। और अभी भी पहला आदमी जिसने बुकलेट छापी है और बुकलेट छाप के प्रत्येक वार्ड की कार्य की दी है कि मैं आपके बीच खड़ा रहा। कोरोना जैसे महामारी में भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो भी आ रहा है मैदान में, ये कोई मैदान नहीं था। मैं कोरोना के अंदर जनता के बीच में था, क्योंकि एक बेटा था तो बेटे का फर्ज अदा करा। कुछ काम तो बचे हैं जो अभी आप सोच रहे हैं। 10-20% तो बच जाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार नहीं हुई होती तो भोपाल ही चमन करते विधानसभा क्या, और अगली बार सरकार आ रही है भोपाल चमन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।